फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल में आप इजीली जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जो सेटिंग होता है उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर अब तक तो आपने कर भी दिया होगा। सबसे पहले आपको जाना होगा डायल पैड में। डायल पैड में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर रिसेंट कॉल आया गया होगा, कॉल वो होगा, यहाँ पे सेव किया हुआ कॉन्टेक्ट में होता है। और यहीं पे एक होता है जिसको बोलते हैं डॉट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये सेकेंड नंबर पर है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखेगा, जो भी आप रिकॉर्ड किए होंगे, और यहाँ से आपका कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसको ऑन करना है और ये यहाँ से ऑन करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑल कॉल पे क्लिक करना है, तो ऑल कॉल पे होगा। अगर आप चाहते हैं सेलेक्टेड नंबर पे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर को, जो भी नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं, यानी कि एक ही नंबर पर लगाना चाहते हैं। उसके बाद प्लस पे क्लिक किया, जो भी कॉल आएगा तो इस नंबर से जब भी कॉल आएगा तो रिकॉर्ड करेगा, बाकी को नहीं करेगा। अगर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नंबर है तो इस पे जा करके आप इजीली उस नंबर को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको बैक कर दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये एक नंबर को ना छोड़ के मैं उस नंबर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो सेव नहीं है, यानी कि रॉन्ग नंबर, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सिर्फ रॉन्ग नंबर को रिकॉर्ड करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स होता है। ऑल कॉल पर मैं रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी कॉल को रिकॉर्ड करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।